नहीं, गोली खा ले, मुझे मर जाने दे, मैं मर जाना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कहिए, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। नहीं, बस अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले। अल्लाह करे मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए, हमेशा के लिए बंद हो जाए मेरी आंखें। हम ये काम करते हैं, हम सारे मिलकर एक ही दफा खुदकुशी कर लेते हैं। तौबा करो बेटा। आंटी मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, इससे बड़ा दुख हम पर और क्या आएगा कि अम्मी एक और दुख को बुला रही। मैं नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। रहन, रिक्शा मिल गया था अब आपको? नहीं भाभी, मैं ड्रॉप करता हूँ। मैं क्यों तकलीफ की, इस वक्त रिक्शा में छोड़ देते बस उसे। अकेली जाती है रिक्शा में, मैं ड्रॉप करती हूँ। थैंक यू। अभी तुम खुद अम्मी को मौत की बातें करने से रुक रहे थे और अब खुद वही हरकतें कर रहे हो। तुम मनाने के और भी तरीके होते हैं फासिल। नहीं मरियम, गम के सवाल का जवाब किससे पूछे जाते हैं? वैसे मौत तो खुद एक जवाब, इस जवाब को कबूल करना मुश्किल होता है। ये वक्त तो हम दोनों की खुशियों का था, शादी का घर मौत का घर बन गया। मुझे पूछना था, मैं तुम्हें रोकूं यार? सारी बातें मरियम, इन हालात में रुसती तो नहीं हो सकती। अगर तुम रुकी तो उसका मतलब यही होगा कि जानती हूँ। बस पूछ रही थी, बस ये धूल जरा से छट जाए, मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। फिलहाल तो इस हवाले से बात भी नहीं की जा सकती। नहीं बिल्कुल, जैसे मेरा इम्तिहान तुम्हारे साथ हम सब का है और हम सब मिलकर निकलेंगे इस। इसने खुद को संभाल। क्या संभालू मरियम, वक्त ने हमारी खुशियों को एक अजीब सा दाग दे दिया। जो दिन हमारे निकाह का था वही हमारे अब्बू की मौत का दिन भी बन गया। कभी कैसे निकल पाएंगे इससे हम? कभी अब्बू, रुखसती की जो तारीख अब्बू ने रखी थी, मुझे क्या मालूम था कि उस दिन उनका स्वाई था। चलते ख्याल रखना मरियम। अब रुखसती का फंक्शन अलहदा से होगा क्या? तुम्हें क्या हो गया रुबाब? उनका बाप मर गया है और तुम मुसलसल एक ही बात किए जा रही हो। तो जो बच गए उन्हें क्यों मार रहे हैं? शुक्र है अंकल निकाह करवा कर गए। फैसल की अम्मी निकल आए इस दुख से, फिर बात करती हूँ उनसे।
जाहिर है मरियम अब उन्हीं की अमानत, निकाह तो हो चुका है दोनों का। अम्मी आंटी को होश आने दे, फिर आप देखिएगा कैसे इस मौत की जिम्मेदारी आप ही पर डालती हैं। रबाब सी बातें कर रही हो रबाब, आप ही मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। या तुम्हारे निकाह पे साइन हुए वो अंकल की जान निकली, उन्होंने तो यही कहना है ना कि बहू के कदम पड़ते ही। अब हम क्या कर सकते, ये सब खुदा के फैसले, हमारा इम्तिहान कम हुआ है क्या? अम्मी मैं नहीं कह रही, बराबर वाली आंटी आई थी वो कह रही थी कि कहीं फैसल भाई की अम्मी तो ये सब नहीं कह रही। कहने दो उन्हें, खुदा के इम्तिहान से डरना चाहिए उन्हें, खुदा किसी पे ये वक्त ना लाए जो हम पे आया। लोगों के मुंह की मौत के दिन ही बन गए, उससे पहले नहीं रुकते। मैंने बात की थी फैसल से। क्या कहा फिर उसने? मेरा आंटी की तबीयत जैसी सेटल होती है वो किसी भी दिन ले जाएगी मुझे। जाहिर है बेटा, अभी तो उनके अब्बू का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा। लेकिन हमारी शादी के कपड़े बारह जरूर मैले होते। खुदा किसी को इस इम्तिहान में ना डाले, पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। फारिया एक बार फिर सोच लो, क्योंकि तुमने अब तक जितने फैसले भी किए हैं गलत ही किए हैं तकरीबन। और हाँ, वो नाजिया का एड्रेस और फोन नंबर्स भूल तो नहीं आई, सेव तो कर लिए थे ना? जी बाबा, नोट कर लिए डायरी डायरी इस दौर में तो नोट पैड होते। अच्छा बहरहाल, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो फौरन उससे कह। बाबा मैं अपने प्रॉब्लम से तो फेस करने जा रही हूँ और आप मुझे इसी से रोक रहे हैं। I'm so happy for this change. लेकिन फिर भी तुम्हारे पास नंबर्स होने चाहिए, कभी कभी तन्हाई शेयर करने को भी दिल करता है इंसान का। अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ठीक रहूंगी। फारिया याद रखना, जिंदगी बार बार चांस नहीं देती। मुझे यकीन है कि जब तुम वापस आओगी तो मुझे वो फारिया मिलेगी जिसके मैं ख्वाब देखा करता हूँ। पता नहीं बाबा आप किस फारिया को देखते हैं, मेरा एक वादा है आपसे, आप इस फारिया से आखिरी बार मिलते हैं।